वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम बात कर रहे हैं कि डीप फेक पर सरकार है सख्त। दिसंबर के पहले सप्ताह में आएगा नियम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होंगे इसकी जद में। तो देखते हैं क्या है, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि डीप फेक क्या है। तो डीप फेक को समझने से कि क्या है डीप फेक, कैसे इससे बचा जा सकता है, मिलेंगे सारे सवाल के जवाब देंगे। तो समझते हैं डीप फेक की इन दिनों काफी चर्चा है। इस चर्चा की वजह क्या है, साथ ही आखिर डीप फेक है क्या, इसे लेकर अभी सभी लोग डरे हुए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर फिल्म जगत के लोग इस टेक्नोलॉजी से काफी डरे हुए हैं, साथ ही इसे इंसानों की प्राइवेसी के लिए खतरा बता रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे डीप फेक को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन इसके बारे में इंटरनेट पर जानकारी काफी कम मौजूद है। ऐसे में लोग डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी कंफ्यूज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डीप फेक क्या है, वही क्या डीप फेक से बचा जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे सवालों को तलाशने की आज हम इस वीडियो में समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो क्या होता है डीप फेक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। क्या होता है डीप फेक, किसी रियल वीडियो से दूसरे के चेहरे को फिट कर देने को डीप फेक नाम दिया गया है, जिसे आप लोग यकीन मान लें। डीप फेक से वीडियो या फोटो को बनाया जाता है। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसे डीप फेक से वीडियो बनाया जाता है। साधारण शब्दों में हम अगर समझे तो इस टेक्नोलॉजी कोडर और इनकोडर डिकोडर टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। डिकोडर सबसे पहले किसी इंसान के चेहरे को, हाव भाव और बनावट को गहन जांच करता है। इसके बाद वह क्या करता है, वह किसी फर्जी फेस पर इसे लगाया जाता है, जिससे हूबहू फर्जी वीडियो या फोटो को बनाया जा सकता है। हालांकि इसे बनाने में काफी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। ऐसे में आम लोग फेस डीप फेक वीडियो नहीं बना सकते हैं आम लोग, लेकिन इन दिनों डीप फेक बनाने से जुड़े ऐप मार्केट में मौजूद हैं, जिसकी मदद से आसानी से डीप फेक वीडियो को बनाया जा सकता है। तो सरकार भी डीप फेक को लेकर काफी सतर्क है। सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डीप फेक से जुड़े फोटो और वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है। सरकार को के निर्देशों के मुताबिक सभी प्लेटफॉर्म से 36 घंटों में डीप फेक से जुड़े फोटो और वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है, और 10 दिन के अंदर एक जो है सरकार ने नियम बनाने को कहा है कि डीप फेक पे नियम बनाया जाए। तो कैसे बचा जा सकता है डीप फेक से, डीप फेक वीडियो को फेशियल इम्प्रेशन से बचाया जा सकता है। फोटो और वीडियो के आईब्रो लिप्स को देखकर या उसके मूवमेंट से भी पहचाना इसकी पहचान जो है हो सकती है। तो डीप फेक जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा, इसमें जो वीडियो इस डीप फेक से जो बननी है ये सोशल मीडिया के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए इससे खतरा पैदा हो सकता है। और सरकार क्या है इस पे जद्दोजहद में लगी हुई है कि जो ये डीप फेक का जो चलन बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और क्या है जो टेक्नोलॉजी का यूज करके डीप फेक जो बनाया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा किसी भी तरह की क्या है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भारत सरकार ने अगले 10 दिनों के भीतर डीप फेक सामग्री के प्रसार को लक्षित करने वाले नए नियम पेश करने की योजना की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक और योजना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि नियम चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, पता लगाना, रोकथाम, रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जागरूकता।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ बैठकों के बाद वैश्रम ने कहा कि सरकार डी फेक की मेजबानी करने वाले रचनाकारों और प्लेटफॉर्मों दोनों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार करेगी। नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक सोशल मीडिया कंपनियों ने डीफे के प्रसार को सीमित करने के लिए उपाय करने का वादा किया है। सरकार इस मुद्दे पर आगे चर्चा और नए नियम पर जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए अगले महीने हितधारकों के साथ एक और बैठक बुलाने का इरादा रखती है और इसमें वैश्रम ने डीफे को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें लोकतंत्र समाज में विश्वास के लिए खतरा बताया। डी फेक वीडियो से जुड़ी हालिया घटनाओं के जवाब में सरकार ऐसी सामग्री के प्रचार से निपटने के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डी फेक मुद्दे के समाधान के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। तो इस पे क्या जुर्माना लगता है, कैसे ये डीप फेक जो वीडियो जो बनाई जा रही हैं, इस पे क्या सरकार के नियम आते हैं, क्या सजा चुनी जाती है, तो ये सारा कुछ इसके माध्यम से देखते हैं। और अगर आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं इस पे लेटेस्ट न्यूज देते रहूंगी कि डीप फेक जो है वह उससे कैसे बचा जा सकता है। डीप फेक या लर्निंग, डीप लर्निंग या फेक से तात्पर्य कृत्रिम मीडिया से होता है जिसमें एक मौजूदा छवि या वीडियो में किसी तरह की तब्दीली करके मौजूदा छवि या वीडियो में एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए इतनी समानता से कि उसमें अंतर करना कठिन हो जाए। हालांकि फर्जी मीडिया बनाना कार्य कोई आसान नहीं है, किंतु डीप फेक से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शक्तिशाली तकनीकों का लाभ उठाकर नजर और कान को धोखा देने वाले दृश्य और ऑडियो सामग्री उत्पन्न करने में काफी बड़ा अहम कदम है। डीप फेक बनाने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली मुख्य मशीन सीखने की विधियां डीप लर्निंग पर आधारित होती हैं और इसमें प्रशिक्षण संबंधी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर शामिल है, जैसे कि ऑटो एनकोडर्स एंड जनरेट एडवर्सियर नेटवर्क। डीप फेक ह्यूमन इमेज सिंथेटिक नाम की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जैसे हम किसी भी चीज की फोटो कॉपी कर लेते हैं, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी चलते फिरते बोलते लोगों की हुबहू कॉपी कर लेती है। मतलब हम स्क्रीन पर किसी भी ऐसे इंसान या जीव को चलते फिरते बोलते देख सकते हैं जो नकली हो और जिसकी कॉपी बनाई गई हो। इस टेक्नोलॉजी की नींव पर बड़ी एप्स बनी जो एप्स है बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। इससे किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर दूसरे का चेहरा लगाया जा सकता है और वो भी इतनी सफाई और बारीकी से कि स्त्रोत चेहरे के सभी हाव भाव तक फर्जी चेहरे में देखे जा सकते हैं। तो डीप फेक क्या है, इसका जोखिम क्या है, जैसे कि फेक न्यूज के साथ देखा गया है कि फेक न्यूज को पकड़ा जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे क्लिक नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ना या साझा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो चीजें जो इंटरनेट को चलाती हैं वो है बिना किसी रुकावट के जानकारी का साझाकरण और लोगों के अटेंशन को से पैसा कमाना। इसका मतलब है कि डीप फेक के इस्तेमाल के लिए हमेशा एक दर्शक वर्ग मौजूद रहेगा, लेकिन किसी तरह इस टेक्नोलॉजी का प्रभाव रोका जा सकता है, क्योंकि अगर डीप फेक के इस प्रभाव को नहीं रोका गया लेकिन इस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो है निश्चित ही एक बड़ा प्रश्न है। और आखिर हम कितना ही डीप फेक को रोकने के लिए तकनीकी समाधान खोज लें, चाहे वे कितने भी अच्छे हों, वो डीप फेक वीडियो फोटो को फैलने से नहीं रोक सकते। साथ ही कानून उपाय चाहे वे कितने भी प्रभावी हों, आमतौर पर डीप फेक के फैलने के बाद ही लागू हो सकते हैं।
तो ये बहुत ही चिंता का विषय भी है। साथ ही सारणी जागरूकता से सुधार डिफ्रेस से मुकाबला करने की रणनीति का एक अतिरिक्त पहलू हो सकता है। जैसे जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का संदिग्ध डीपफेक वीडियो आता है, तो यह चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर क्या है संभव होगा कि उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किस हद तक हुई है। यह जानकारी डीपफेक को फैलने से रोक तो नहीं सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो बहुत सारी कड़ियां हैं, देखते हैं क्या इस पे सरकार फैसला लेती है, क्या नियम बनाती है। और डीप फेक एक बड़ा खतरा सामने आ सकता है, जो चलता फिरता यानी कि किसी भी वीडियो में किसी दूसरे का चेहरा लगा के चलती फिरती वीडियो की कॉपी करना, तो ये डीप फेक है। तो समझते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों में। इसका जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि डीप फेक क्या है, क्या ये टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी में ये बनती है और क्या इसका खतरा है। तो फ्रेंड्स, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।